एक टर्म आता है एक्चुअली एल्कोहल, जैसा कि मैंने कहा एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या होते हैं, 100% प्योर एल्कोहल कॉल्ड एब्सोल्यूट एल्कोहल। 100% प्योर एल्कोहल को एब्सोल्यूट एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये एब्सोल्यूट एल्कोहल जो 100% प्योर होता है, इसमें एथिल एल्कोहल ऑब्टेन बाय द मेथड ऑफ द डिस्क्राइब्ड अबव, इससे पहले मैंने एक मेथड रेक्टिफाइंग मेथड एक्सप्लेन किया था, इसलिए इस एल्कोहल को रेक्टिफाइड स्प्रिट भी कहते हैं या बढ़ते हैं, जो 90% प्योर होता है। पिछली लेक्चर्स में यहाँ पर मैंने मोलासेस से बनाया था एल्कोहल, वहाँ 90% आप देख रहे होंगे, जहाँ पर रेक्टिफायर और एनालाइजर को डायग्राम बनाकर मैंने एक्सप्लेन किया था, उन मेथड्स से जो एल्कोहल मिलता है उसे हम लोग रेक्टिफाइड स्प्रिट भी कहते हैं। डिस्टिलेशन ऑफ द रेक्टिफाइड स्प्रिट यील्ड 95.6% प्योर एल्कोहल बिकॉज द मिक्सर ऑफ 95.6% एथिल एल्कोहल एंड 4.4% वाटर, उसमें 4.4% क्या होता है वाटर होता है, और रिमेनिंग 95.6% क्या हो जाता है कुछ एल्कोहल। अब हम बात करें कि कुछ प्रॉपर्टीज में हमारी कुछ प्रॉपर्टीज छूट गई, जैसे एक रिएक्शन आती है हैलोफॉर्म रिएक्शन सी एथिल एल्कोहल से, तो मेथिल एल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। ये मेन एक मेजर डिफरेंस है मेथिल और एथिल एल्कोहल का कि मेथिल एल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते लेकिन एथिल एल्कोहल देते हैं, क्योंकि इनमें ये एल्काइल ग्रुप जिनमें पाया जाता है वही सिर्फ क्या देते हैं, वही सिर्फ हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। इसमें क्या होता है कि जब किसी एथिल एल्कोहल की रिएक्शन आयोडीन से एल्कलाइन सोल्यूशन यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसे हीट करते हैं तो हमें CH3 आयोडोफॉर्म मिलता है। अब हैलोफॉर्म में यहाँ पर अगर आयोडीन की जगह ब्रोमीन कर दें, क्लोरीन कर दें, तो यहाँ पर ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनता है, इसलिए कॉमनली हम इस रिएक्शन को हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। साइड प्रोडक्ट में सोडियम आयोडाइड, सोडियम फॉर्मेट और वाटर निकलता है, ठीक है। फिर एक रिएक्शन होती है रिएक्शन विद द ब्लीचिंग पाउडर। अगर एथिल एल्कोहल की रिएक्शन CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर के साथ कराते हैं तो एसिटाल्डिहाइड मिलता है, और ये एसिटाल्डिहाइड फर्दर ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करके क्लोरल देता है, CCl3CHO देता है, जो साइड प्रोडक्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड निकलता है। इस क्लोरल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से फर्दर रिएक्शन कराने पर क्या देता है, क्लोरोफॉर्म देता है, ठीक है, क्या देता है, क्लोरोफॉर्म। तो इस तरह से हम क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं इस मेथड से ब्लीचिंग पाउडर का यूज करके। बात करते हैं हम लोग यूजेस ऑफ एथिल एल्कोहल्स की, तो देखिए सबसे पहला यूज है एथिल एल्कोहल का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्प्रिट। स्प्रिट को बनाने में एथिल एल्कोहल का यूज किया जाता है। एथिल एल्कोहल लार्ज स्केल पर एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वाटर, उसी तरह से एथिल एल्कोहल को जनरली लार्ज स्केल पर हम लोग सॉल्वेंट के रूप में, विलायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसी तरह से एथिल एल्कोहल का यूज एल्कोहलिक बेवरेज जितने भी आते हैं, ठीक है ना, ड्रिंक वगैरह, सब एथिल एल्कोहल मेन कंपोनेंट होता है वहाँ पर। और एक यूज ये एथिल एल्कोहल को एज अ पावर एल्कोहल, जिसे हम कहते हैं पावर पेट्रोल, एज अ फ्यूल भी हम लोग यूज करते हैं एथिल एल्कोहल्स को। फॉर द मेकिंग ऑफ द या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गैसोल या गैसोल, इसमें गैसोल क्या होता है, गैसोलीन
प्लस अल्कोहल का मिक्सचर गैसोल कहलाता है। पॉइंट मैंने ये लिखा है क्योंकि चार पॉइंट आपके लिए सफिशियंट है। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, एल्डिहाइड बनाने के लिए, एस्टिक एसिड बनाने के लिए भी हम एथिल अल्कोहल का यूज करते हैं। तो ये तो हमारे पास एथिल अल्कोहल्स के यूजेस थे। बात करते हैं कि कैसे हम टेस्ट करेंगे, पहचान करेंगे कि दिया गया अल्कोहल एथिल अल्कोहल। तो सबसे पहला तरीका, अगर एथिल अल्कोहल में एक छोटा सा टुकड़ा सोडियम का डालें एने का, तो एथिल अल्कोहल सोडियम एसीटेट बनाता है और साथ में क्या देता है, सोडियम फार्मेट बनाता है। एसीटेट नहीं, गलत देखा, एस्टिक एसिड के साथ एसीटेट बनता है। सोडियम एसीटेट बनाता है, हाइड्रोजन गैस बबल स्किन में बाहर निकलती है। लिख सकते हैं वेनअप सोडियम पीस आर एडेड टू द एथिल अल्कोहल, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि अगर एथिल अल्कोहल की रिएक्शन एस्टिक एसिड के साथ का, तो इस रिएक्शन को एस्टिफिकेशन कहते हैं। यह रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में एस्टिक मीडियम में होती है, जहां पर ईस्टर बनता है और ईस्टर की स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी, फ्रूट लाइक स्मेल होती है। तो फ्रूट की तरह से स्वीट मीठी स्मेल निकलती है। इस तरह से हम पहचानते हैं स्मेल के थ्रू कि दिया गया कंपाउंड एथिल अल्कोहल वो थी रिएक्शन एथिल अल्कोहल में नहीं है। इसी तरह से एक और यूज, ये जो आइडो फाउंडेशन मैंने लिखी है, फाउंडेशन अगर हम लोग C2H5OH को आयोडीन और अल्काइन मीडियम में NaOH के साथ कराते हैं, तो आयोडो फॉर्म बनता है जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। येलो कलर का क्या होता है, PPT जैसा बन जाता है, वो आयोडो फॉर्म कहलाता है। तो ये तरीका है किसी अल्कोहल को टेस्ट करने का, पहचान करने का, आइडेंटिफाई करने का। इसी तरह से एक और रिएक्शन यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, आप लोग दे सकते हैं। वो रिएक्शन क्या होगी कि अगर एथिल अल्कोहल्स को एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कराया जाए, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, एथिल अल्कोहल एल्डिहाइड में बदलता है, और फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पर एथिल अल्कोहल से जो एल्डिहाइड बनता है, वो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन करके क्या बना देता है, एस्टिक एसिड बनाता है। मैं केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको इसके बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये भी जहाँ पर एक प्रेजेंट स्मेल, करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट स्मेल निकलती है एस्टिक एसिड की, इस तरह से भी हम एथिल अल्कोहल को पहचान पाते हैं। कुछ और छोटे छोटे टर्म्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड बच रहे हैं, आइए देखते हैं। देखिए बेटा, टॉक्सिसिटी ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स की अगर हम टॉक्सिसिटी की, उसकी पॉइजनस नेचर की बात करें, तो सबसे कम टॉक्सिस नेचर का होता है एथिल अल्कोहल। उससे ज़्यादा जिसे हम लोग ग्रेड एल्कोहल भी कहते हैं, रनिंग एल्कोहल, उससे ज़्यादा एसिडिक नेचर का, और सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर, एसिडिक कह रहा हूँ, टॉक्सिक नेचर का, पॉइजनस नेचर का वुड एल्कोहल, जिसे CH3OH मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल भी कहते हैं, होता है। इसी की भी हेल्प पर एक टर्म यूज करते हैं, मेथिलेटेड स्प्रिट। क्या होता है मेथिलेटेड स्प्रिट, आपको पता है कि CH3CH2OH जिसे हम लोग एथिनॉल कहते हैं, एथिनॉल का यूज हम लोग एज अ ड्रिंकिंग पर्पस, यूज एज ड्रिंकिंग पर्पस, इसको हम लोग ड्रिंक के रूप में यूज करते हैं। इसको ड्रिंकिंग पर्पस से अनफिट करने के लिए इसमें ऐड कर देते हैं 10-15% मेथेनॉल प्लस पिरिडीन प्लस पेट्रोलियम नेफ्था, 1% पेट्रोलियम नेफ्था ऐड कर देते हैं। इस तरह से बना हुआ अल्कोहल क्या कहलाता है, इस तरह से बना हुआ एथिल अल्कोहल डीनेचुरेटेड अल्कोहल कहलाता है। इसी को हम लोग मेथिलेटेड स्प्रिट भी कहते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में या केमिस्ट्री की लैब में हम अल्कोहल का यूज करते हैं, एथिल अल्कोहल का यूज करते हैं, तो उसे ड्रिंकिंग पर्पस में कहीं उसको कोई इस पर्पस से ना यूज कर ले, इससे बचाने के लिए हम उसे अनफिट करके ही सप्लाई दी जाती है। क्योंकि यदि मेथिल अल्कोहल हमने ले लिया
ड्रिंक कर लिया तो इसके सिर्फ तीन ही फैक्ट होते हैं, इसके सिर्फ तीन ही फिर रिजल्ट निकल कर आते हैं, या तो व्यक्ति ब्लाइंड हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, या व्यक्ति डीए वाला व्यक्ति मैड हो जाएगा, पागल हो जाएगा, मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, या फिर उसकी डेथ हो सकती है क्योंकि ये हाईली पॉजिनस नेचर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एक पावर एल्कोहल, अभी भी मैंने यूज भी किया था, बताया भी था आपको कि पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल क्या है, 20% एब्सोल्यूट एल्कोहल में 80% पेट्रोल मिला दिया जाता है, ठीक है, 80% पेट्रोल मिला दिया जाता है। ऐसे पेट्रोल का यूज, ऐसे एल्कोहल का हम यूज कहाँ कर लेते हैं, यूज एज फ्यूल, ईंधन के रूप में कर लेते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, पावर एल्कोहल कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे सेक्टर्स के बचे हुए थे जिन्हें आप समझ चुके हैं। ये साठ नोट कई बार पूछ ले जाते हैं, क्या होता है मेथिलेटेड स्प्रिट, या क्या होता है पावर एल्कोहल, या टॉक्सिसिटी नेचर ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है ना। तो अगर आते हैं तो आप इनको इस तरह से गली बना करके या इस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर का जो एल्कोहल टॉपिक है, ये एल्कोहल टॉपिक यहीं से फिनिश हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ईथर पर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से इस चैप्टर का, चैप्टर का नाम था एल्कोहल एंड ईथर। तो अब एक टॉपिक इसका बच रहा है ईथर, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अपने ईथर को एक्सप्लेन करेंगे, और आप एल्कोहल के ये कंप्लीट चैप्टर के साथ उसके नोट्स बना लें और उनको अच्छे से तैयार करें।